दोस्तों मेरे सामने पेशेंट बैठे हैं जिनकी शिकायत है कि उनको वो इंसुलिन लेते हैं, गोली खाते हैं, पर भूख बहुत लगती है। नाश्ते में दो रोटी, सब्जी, फल खाने के बाद भी थोड़ी देर भूख लग जाती है। तो देखो, अगर भूख तब लगती है जब आपका शुगर बहुत हाई है, और बहुत हाई शुगर है तो इंसुलिन कमी की वजह से, आपका बॉडी को इंसुलिन कमी की वजह से ग्लूकोज मिल नहीं पाता है, तो बॉडी हंगर फील करती है, उसकी एनर्जी मिलती नहीं है, पहला। या शुगर बहुत लो हो, थर्ड, या तो खाना अपनी जरूरत से कम खाएं, या आपको पहले से ज़्यादा खाने की आदत हो, जिसकी वजह से आप जब खाना डायबिटीज में कम करते हो तो बॉडी को लगता है खाना कम मिल रहा। तो पहले तो अपने डायबिटीज को कंट्रोल करें, अपनी दवाई शुगर जो भी चेंज करके, उसे हेल्प मिलेगा। प्लस आपका जो भी डाइट होता है, आपको हम डॉक्टर बताएंगे कि आपको 18 कैलोरी लेना है या 16 लेना है, उसको डिवाइड करें 6 पार्ट में, 25% ब्रेकफास्ट, 25% लंच, 25% डिनर, और 88% मिड में ब्रेकफास्ट ढाई घंटे बाद, लंच की ढाई और डिनर बाद। प्लस हर बार, बार बार बोला मैंने, हर बार फ्री फूड खूब खाएं। जैसे फ्री फूड क्या होता है, खूब सलाद, खीरा है, टमाटर है, मूली है, सलाद पत्ती है, इसके बाद इवन आपको गाजर है, इसके बाद वेजिटेबल जूस है, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, लेमन टी, अगर बीपी नहीं तो नमक, बिना नमक लीजिए, उसको शुगर फ्री डाल के। इसके बाद चटनी खूब खा सकते हैं, अगर बीपी नहीं तो आप क्या नाम की डाइट कोक, डाइट पेप्सी, जब चाहे जितना पीजिए। घर पे जान लो, खीरा, टमाटर, मूली, सलाद, खूब सलाद खाओ, हरी सब्जी, लौकी सब्जी, तोरी सब्जी, बैंगन सब्जी, दवा खाओ, कम तेल डाल के अचार खा सकते हो। इन सबसे भूख भी मरती है, शुगर भी बढ़ता है, वेट भी घटता है। तो अगर आप भूख मारना चाहते हो तो पहले तो नाश्ते में पहले सलाद खाया, हरी सब्जी खाई, थोड़ा पानी पिया, फिर नाश्ता किया, एक अलग टिफिन सलाद ले जाओ, दिन में 10 खीरा खाओ, तो सलाद से भूख मारो, पानी से भूख मारो, ये फ्री फूड बोला उसको खा के भूख मारो, समझ गए? तो आप सलाद कम खाते हैं इसे भूख लगती है आपको, पर टाइमिंग हर ढाई तीन मिनट में खाना आपको, उसी खाना थोड़ा डिवाइड कर देना है। आप बोलो ब्रेकफास्ट 2 रोटी खाते हो, गलत करते हो, आप 1.5 रोटी खाओ, थोड़ा बादाम खाओ, जो फैट है ना भूख मारता है, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, मुगरी दाना खाओ, दद्दब दिन में 3-4 बार खाओ, इससे भूख मरती है, पर शुगर नहीं बढ़ता है, पर हार्ट के लिए अच्छा होता है, इसमें मूफा प्रोटीन, मूफा ऑयल होता है, समझे? ठीक है।